उमरिया पंचायत के ग्रामीणों ने सरपंच सहित उपखंड कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। ज्ञापन में ग्राम पंचायत के निवासियों ने बताया कि पंचायत में मूलभूत सुविधा से वंचित, यहां कई सरकारें आई और गई लेकिन सरकार की तरफ से आज भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई। कई प्रशासनिक अधिकारी व राजनीतिक नेताओं से गुहार लगाई लेकिन आज भी पंचायत में न तो पक्की सड़कें हैं न ही कोई लाइट बिजली की सुविधा। हमारे यहाँ गांव में चिमनी में लोग अपन जीवन यापन करने को मजबूर हैं। प्रशासन ने यहाँ गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना का सिर्फ बोर्ड लगा रखा लेकिन सड़क का आज तक भी डामरीकरण नहीं हुआ, न ही बिजली की व्यवस्था है। ऐसे में यहाँ गांव में पक्की सड़क व बिजली की व्यवस्था की जाए। गोदरवाड़ा से अंबादे, महाड़ी, खाखरिया, बोडीकला, खाचन से लोहारी तक पक्की सड़क का निर्माण की मांग की। गोदलवाड़ा, पोपटाली, सिसविया, उमरिया, अंबादे, लोहारी आदि राजस्व गांव होने के बावजूद भी यहां गांव में विद्युत की व्यवस्था व सड़क नहीं है। यहां लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। यहां पर ग्रामीणों ने पहुंचकर 5 अगस्त तक उपखंड कार्यालय द्वारा यहाँ कार्य शुरू नहीं हुआ तो घेराव की चेतावनी भी दी। तो गाड़ियों नहीं आती, थोड़ी करीम भी जाऊँ पर बता हम समस्या है तो कोई जाते जाते ने बता बीमार थी जावे हाय हो है ने बड़ी एम समस्या है। नाम अनिल कुमार, पिता लखमा, पैसा है उमरिया। ये रोड जा रहा है अंबाद है और इधर एक जा रहा है उम्बिया तरफ, तो ये रोड खच्चा है तो ये गाड़ियाँ भी नहीं आती, नहीं दिक्कत रहती है कोटडा जाने में। ये पैदल चल के बीमार होने पर भी ये जोड़ी करके ने कोटडा ले जाते हैं, ले जाते जाते रास्ते में मर भी जाते हैं। बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली की भी ये व्यवस्था नहीं हो रही है, सड़क भी ये कच्ची है और ये फोन नेटवर्क की भी कोई ये सुविधा नहीं है। पहाड़ों पर सर्दा पड़ता है तो फोन करते हैं, कोई मार्शल भी नहीं आते। ये बच्चों के भी हालत ख़राब है, अभी तो कोरोना में बंद है, पहले भी नहीं आ रहे थे। मेरा नाम सोहनलाल परमार है। आज हम उमरिया ग्राम पंचायत के लोगों को लेके एक मूलभूत सुविधाओं के काम के लिए आज उपखंड कार्यालय में आए हैं। हमने उपखंड कार्यालय में ज्ञापन दिया है। ये है कि देश आज़ाद होने के 73 सालों बाद भी आज भी आदिवासी क्षेत्र में समस्या जस की तस है। सड़कें, बिजली, पानी, स्कूलों की हालत ये है कि कोई भी सरकार बनो, कांग्रेस बनो, डीजीपी बनो, चाहे यहाँ पे कोई भी नेता बनो लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है। इसलिए हमें मजबूरन में आज उपखंड कार्यालय में हम ज्ञापन देने आए हैं और कुछ टाइम दिया है सरकार को कि हमारी सुनवाई की जाए, अन्यथा 5 तारीख को कोटडा तहसील में उपखंड कार्यालय का बहुत बड़ा पड़ाव डाला जाएगा। समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। मेरे सरकार से निवेदन है कि मूलभूत सुविधाओं को जल्दी से जल्दी अमल में ला के कुछ प्रतिबंध किया जाए जिससे सुविधा मिल जाए लोगों को। हालतें खराब हैं, अभी स्थिति ये है कि वहाँ जाने के लिए सड़कें वहाँ अब इतना उबड़ खाबड़ रास्ते हैं कि वहाँ जीप भी नहीं जा सकती, मोटरसाइकिल नहीं जा सकती है। और रही बात बिजली की, बिजली इतने 8-10 गाँव ऐसे हैं आज भी उन घरों पे बिजली नहीं पहुँची है। तो हमारे इस ग्रामवासियों से मैं भी उस क्षेत्र के नाते हम सरपंच साहब ने ये सब आए हैं तो आज सरकार को अवगत करवाया है। अगर अभी देखो आज कई लोग यहाँ विकास के लिए कोटडा क्षेत्र में वीडियो प्रधान का आप झगड़ा देख सकते हो कि अगर प्रधान की बात नहीं सुनी जाए, प्रधान को इस तरह से वो इस तरह से होगा तो फिर कहाँ से काम होगा। तो उस विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो भी कहीं गलत कर रहा है तो प्रधान की बातों पर अमल ला के सुनवाई की जाए। और सरकारी है काम, अधिकारी आते जाते रहते हैं लेकिन विकास उनके झगड़े में विकास नहीं होता। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस बात का भी थोड़ा ध्यान दिया जाए।